नमस्कार, आदाब। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आज से मैं आपको सुना रहा हूँ कृष्ण चंद्र का नॉवेल गद्दार। आज इस नॉवेल की पहली किस्त 2 अगस्त 1947 को मैं अपने ननिहाल में था। मेरा ननिहाल लाले गांव में है। लाला गांव किला शोभा सिंह स्टेशन के करीब है। स्टेशन से कोई 1.25 मील फासला होगा। लाले गांव में हम ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा है, उसके बाद खत्रियों के घर हैं, सबसे कम आबादी मुसलमानों की है। मेरा ननिहाल गुरु गोसाइयों का घर कहलाता है और ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा है। हजारों साल से हम लोग इसी गांव में आबाद हैं। कहते हैं किसी जमाने में इस सारे इलाके पर हमारा राज था। अब भी लाला गांव की सबसे ऊंची हवेली महला कहलाती है। उसे रामपाल ब्राह्मणों ने अपने उरूज के जमाने में तामीर किया था। हवेली क्या है? पुराने जमाने का एक किला सा है, जिसके शुमाल मगरिब में रेतीले टीलों और कल्लर की मारी हुई बंजर जमीनों का एक सिलसिला चला गया है, जहां सिर्फ खारदार घास उगती है और लंबे लंबे सरकंडों के झुंड अपनी लंबी लंबी सफेद खुशों वाली कलगियां लहराए जमीन से उगते हैं। और जब हवा सरसराते हुए उनमें से गुजरती है तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक यूं डोलते हैं जैसे लकोदक सहरा में शुतुरमुर्गों के झुंड पर फैलाए भागे जा रहे हों। मुझे सरकंडों के झुंड बहुत पसंद हैं। मैं और शादा दोपहर में जब उसकी अम्मा सो जाती थी यहीं मिला करते थे। हालांकि महलों की हवेली के बड़े दरवाजे के सामने जो कच्चा पहिया जाता था वो कमाद के जरखेज खेतों में से होकर गुजरता था। और जिन दिनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उन दिनों कमाद की फसल जवान और कदावर हो चुकी थी और उसकी सरसब्ज फसलें बहुत से मनचले आशिकों को पनाह देती थी। शादा के भूरे बालों की एक लट उसके गोरे माथे पर बिखर जाती थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत और उदासी के साए उलझने लगते थे। तो उस वक्त खारदार घास, कानों और सरकंडों में गुजरने वाली हवा कुछ अजीब तरीके से हमारे दिलों से गोशियां करती। उसकी मीठी मध्यम सदाओं में नदीदा सपनों के घुंघरू बजने लगते और उसकी रेशमी सरसराहट में उन सुंदर कहानियों की बाजगश्त सुनाई देती थी, जब मोहब्बत हर दीवार, हर फसील, हर खलीज फांद गई थी और तारीख उफक पर एक रंगीन धनक बनकर लहराई थी। सरकंडों में तो हवा बातें करती है, लेकिन कमाओ के खेत में तो यूं घुटके रह जाती है, जिसे उसे हर लहजा समाज का और मजहब का और पुराने एतकाद का डर हो। और जिस जगह हवा तक डरे वहां इश्क क्या पनपेगा। इसलिए हम लोगों ने सरकंडों के जंगल में पनाह ली थी, जिनके सफेद रेशमी कलगियां पर पतले लांबे नाजुक तनों के ऊपर खड़ी हमारे इश्क की तरह मगरूर नजर आती थी। 2 अगस्त की दोपहर का जिक्र है। हमारे पीछे सरकंडों का जंगल था और जंगल के पीछे हमारा गांव था और हमारे सामने दूर तक फैली हुई मीलों बंजर जमीन थी जिसे कल्लर ने मार दिया था। सुबह बारिश हो चुकी थी, लेकिन आसमान पर सफ़ेद बादल मुर्गों की तरह सीना फैलाए अपने बूटे में बारिश के दाने छुपाए अब भी कहीं कहीं चल रहे थे। हवा में पानी की नमी थी और मिट्टी की सौंधी सौंधी महक और दूर मगरबी उफक पर रोशनी कुछ ऐसी हल्की थी, इतनी शफाफ थी गोया अभी पिघल कर किसी कौसो कज़ा को जन्म देगी। मेरा हाथ शादा के हाथ में था और हम दोनों उस उफक को यूं देख रहे थे जैसे उम्मीद एक मुसाफिर हो
और उसी शफाफ रास्ते से इधर आने वाली हो। मैंने शादा का हाथ आहिस्ता से दबाया और उससे कहा, एक दिन तो मुझे भूल जाओगी। शादा के सीने से एक आह उभरी, मगर वो खामोश रही। उसने सवाल का कोई जवाब ना दिया, और वो सवाल का जवाब ही क्या दे जो इब्तदाए आफरीनश से औरत मर्द से, मर्द औरत से पूछता चला आया है। कितना पुराना सवाल है, लेकिन हर बार कितना नया मालूम होता है। मालूम होता है जैसे आज पहली बार ही पूछा गया है। मैंने फिर कहा, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसने आहिस्ता से कहा और मेरी तरफ देखे बगैर कहा। उसकी निगाहें अभी तक उसी उफक पर गड़ी थी। हाँ, मेरी शादी हो जाएगी और बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह तुम्हारी हो चुकी है। मेरी शादी तो मेरे माँ बाप ने बचपन ही में कर दी थी, मैंने एहतजाजन कहा। शादा बोली, और तुम क्या समझते हो मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूंगी? मैंने सर झुका लिया। शादा ने उफक से निगाहें हटा ली जैसे वहां से मायूस हो चुकी हो। फिर उसने मेरे झुकते हुए उदास चेहरे को थोड़ी से पकड़ के ऊंचा उठाया। फिर उसने अपने गुलाबी रुखसार मेरे रुखसारों से लगा दिए और धीमे धीमे बड़े प्यार और मजबूती से बोली, यूं तो मेरी शादी भी हो जाएगी और बच्चे भी होंगे मेरे, और मैं उनके लिए एक अच्छी माँ, अपने खाविंद के लिए एक नेक और अताद शौर बीवी भी बन जाऊंगी, और मेरा घर होगा और जिंदगी की सारी खुशियां जो एक औरत चाहती है वो मुझे नसीब होंगी। मगर कहीं पर मेरे अंदर, मेरे बहुत गहरे अंदर और मेरी कोख से भी बहुत दूर अंदर जहां कावर और मेरी कोख से भी बहुत दूर अंदर जहां कहीं औरत की रूह रहती है, वहां तुम हमेशा मौजूद रहोगे। तुम मुझे याद करोगी? मैंने पूछा। शादा कुछ कहने वाली थी कि इतने में दूर कहीं सरकंडों के झुंड में सरसराहट हुई और वो एकदम खामोश हो गई, और हम दोनों इस सरसराहट को सांस रोक सुनने लगे फिक्र और हैरत के साथ, क्योंकि इस वक्त इधर कोई ना आता था। सरसराहट जब करीब आने लगी तो हम दोनों ने एक दूसरे से इशारा किया और अपनी जगह से उठ खड़े हुए और दबे पांव चलकर झुंड के दूसरी तरफ हो गए। यकायक सरसराहट एक खास जगह पर चलकर रुक गई। फिर किसी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शादा ने दूसरी आवाज पहचान ली। वो चीख मारने ही वाली थी कि मैंने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दूसरी आवाज मैंने पहचान ली थी, ये उसके भाई तुफैल की आवाज थी। तुफैल और शादा दोनों लाहौर कॉलेज में पढ़ते थे और गर्मियों के छुट्टियों में यहां अपने गांव में आए हुए थे। पहली आवाज वाले मर्द ने कहा, मुझे अलीपुर सैयदा से पीर कलंदर शाह ने भेजा है। कौन पीर कलंदर शाह? जबरगंज वाले पीर कलंदर शाह। क्या पैगाम है? वो पैगाम नंबरदार सर बुलंद के नाम है। मैं सर बुलंद का बेटा तुफैल हूं। नववारिस कुछ देर तक चुप रहा, फिर आहिस्ता से बोला, पीर कलंदर शाह ने कहलवाया है, आप लोगों ने अभी तक लाला गांव में वो सिलसिला शुरू नहीं किया है? ये गलत बात है। 15 अगस्त की रात तक सब फैसला हो जाना चाहिए। कैसा फैसला? पीर कलंदर शाह ने कहा है 15 अगस्त तक गांव में जितने हिंदू जवान हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। जितनी जवान औरतें हिंदुओं की यहां पर इकट्ठी हो चुकी हैं या हो रही हैं या आसपास के इलाकों से आ रही हैं,
उन सबको रख लिया जाए। अलबत्ता बूढ़े मर्दों, औरतों और बच्चों को छोड़ दिया जाए। शादां मेरे सीने से जोर से लग गई। हम दोनों के दिल धक धक करने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से एक दूसरे के साथ चिमट गए। थोड़ी देर बाद तुफैल बोला, एक पैगाम मेरे बाप ने भी तुम्हारे पीर कलंदर शाह के नाम दिया है। वो क्या? दवारिद बोला, मेरे बाप ने कहा है ये काम हमसे ना होगा। सदियों से हम लोग इसी गांव में रहते चले आए हैं, हमसे ये काम ना होगा। इस सूरत में हम अलीपुर सैयदा वाले खुद आके ये काम करेंगे। नौ वाले ने तुफैल को धमकी देते हुए कहा। तुफैल चुप रहा। बहुत देर तक सरकंडों के जंगल में अलग अलग सिमत को घूमे और हमसे दूर होते गए। थोड़ी देर के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। मैंने जल्दी से शादा को अपने सीने से अलग करते हुए कहा, अब तुम फौरन घर चली जाओ। वो जोर से मेरे सीने से चिमट कर बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जहां तुम जाओगे वहां जाऊंगी। मैंने एक फीकी मुस्कुराहट से मुस्कुराकर कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया है ना? नहीं नहीं, वो सहमी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो ऐसा नहीं कर सकते। सच, वो ऐसा नहीं कर सकते। हम सब लोग तो इसी धरती की औलाद हैं। धरती तो कभी जहर नहीं उगलती शादा, धरती तो कभी जहर नहीं उगलती शादा। धरती है तो हरी हरी कोपले ही उठ फूटती हैं। लेकिन तुमने देखा होगा कि जब बाहर की मसमूम हवाएं चलने लगती हैं तो आन की आन में हरी भरी खेतियां उजड़ जाती हैं। इसमें धरती का क्या कसूर? शादा ने सर को झुका लिया। मैंने उसे अपने आप से अलग करते हुए कहा, तुम जल्दी से घर जाओ वरना गजब हो जाएगा। सैकड़ों बार मिलने पर भी जिस चीज का फैसला ना हो सका उसका आज क्या रास्ता मिलेगा? वो लोग बहुत चालाक हैं शादा, वो लोग तो हमारे मुल्क के टुकड़े करने जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे दिल के टुकड़े किए थे। तकसीम तो पहले दिलों से शुरू होती है। ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? शादा शिकायतन बोली, तुमसे नहीं, शायद ये बात मैं अब सरकंडों के जंगल से कह रहा हूं, मगरबी हवा से कह रहा हूं, इस रास्ते से कह रहा हूं जहां पर उम्मीद कभी मेरे लिए मुसाफिर बनकर ना आएगी। अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ, मैं महला में जाके खबर करता हूं। शादा रोती हुई चली गई। मैंने महला में जाके सबको खबर कर दी। कई दिनों से मालेगांव में आसपास के गांव में ब्याही हुई ब्राह्मणों और खत्रियों की लड़कियां जमा हो रही थीं। ये खबर सुनते ही एक कोहराम मच गया। थोड़ी देर में नंबरदार सरबुलंद दौड़ता दौड़ता हमारे घर आया। वो मेरी नानी माता ईश्वर कौर की बड़ी इज्जत करता था। मेरी नानी गांव की सबसे बड़ी बूढ़ी थी और गांव में क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख, कोई उनका कहना ना टाल सकता था। उनकी उम्र 85 बरस की थी और वो तकरीबन 100 वर्षों की नजर आती थी। उन्होंने आते ही नंबरदार को आड़े हाथों लिया। ए सरबुलंद, नानी ने नंबरदार को गाली देकर कहा। सरबुलंद ने आके माता ईश्वर कौर के पांव छुए, बोला, अम्मा हम तेरे बेटे हैं। अलीपुर सैयदा वाले हमारे जीते जी इस गांव की बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते। बस्ती के सारे मुसलमानों का यह मुत्तफिका फैसला है। सूखते हुए होठों पर खुशी की मुस्कुराहटें दौड़ गईं। माता ईश्वर कौर जानती थी कि नंबरदार सरबुलंद कभी छूट नहीं बोलता। उन्हें इत्मीनान हो गया और जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो सबको इत्मीनान हो गया। बंधे हुए बिस्तर फिर खोल डाले गए, पोटलियों का सामान बाहर निकाला गया।
अधेड़ उम्र की औरतें चूल्हा चक्की में लग गईं और जवान बहुएं आईना देखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगाने लगीं और अपनी खूबसूरती पर खुद ही शर्माकर घूंघट की ओट में छुपने लगीं। दो तीन दिन इत्मीनान से गुजरे, किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। हिंदू मुसलमान मिलकर गांव के इर्द गिर्द पहरा देते थे। परेशानी की बात थी तो यही थी कि लाले गांव में आसपास के इलाकों से ब्राह्मणों और खत्रियों के खानदान पदार्थ लेने के लिए चले आ रहे थे। कहीं पर कोई झगड़ा ना हुआ था, लेकिन जैसे तूफान की आमद से पहले परिंदे हवा सूंघकर अपने घोंसले छोड़कर मुखालिफ सिमत को उड़ने लगते हैं, उसी तरह से चारों तरफ से लाले गांव में हिंदुओं के छोटे छोटे काफिले उमड़े चले आ रहे थे। 5 अगस्त की शाम में गांव अलीपुर सैयदा की तरफ से 5 अगस्त की शाम में गांव अलीपुर सैयदा की तरफ से ढोल पीटे जाने लगे। ढोलों की आवाज़ बुलंदतर और करीबतर होती गई। महिला के अंदर औरतें चीख मारकर रोने लगीं। बहुत सी औरतें बेहोश हो गईं। बच्चों बालों ने रो रो कर कोहराम मचा दिया। ऐन उसी वक्त नंबरदार सरबुलंद ने आकर कहा, अलीपुर सैयदा से 500 मुसलमानों का जत्था आ रहा है। हम लोग मदाखलत करने वाले कुल 50 मुसलमान हैं। अब आपको बचा नहीं सकते, आप लोग अपनी अपनी फिक्र कीजिए। सरबुलंद के जाने के बाद वो भगदड़ मची है कि मैं आपको बता नहीं सकता। माँ बेटी को भूल गई और बेटी बाप को, और बाप अपनी औलाद को, जिधर जिसके सींग समाए महिला से भागकर चल दिया। थोड़ी देर में महिला की शान हवेली वीरान थी। सिर्फ एक अंधेरे कोने में नानी पलंग पर चुपचाप लेटी थी। जब मैं उनकी पाइती के करीब आकर खड़ा हुआ तो बोली, दे मत्था सड़िया, तू नहीं गया? नानी माँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। कैसे लेकर जाएगा, मैं तो चल नहीं सकती। मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठा कर ले जाऊंगा। जब मेरे अपने बेटे मुझे नहीं ले गए तो तू क्या ले जाएगा, बूढ़ी नानी आपदीदा होकर बोली। मैं ले जाऊंगा। मैं नानी के करीब गया ताकि उन्हें अपने कंधे पर उठा लूं। खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया मुझे यहीं रहने दे। ढोलों की आवाज करीब होती जा रही थी, मगर नानी माँ ये आवाज नहीं सुनती हो, वो लोग करीब आ रहे हैं। मैं जरा ऊंचा सुनती हूँ, नानी माँ बोली, और भगवान करे जो मैं सुनती हूँ वो कभी ना सुन सकूँ। तो मुझे यहीं छोड़ दो और चले जाओ, वो मुझे कुछ ना कहेंगे। पीर कलंदर शाह का बच्चा वो आए तो जरा मेरे सामने, जब वो पैदा भी ना हुआ था, जब उसकी माँ का ब्याह हुआ था, मैं खुद अलीपुर सैयदा गई थी और उसकी माँ को शादी का जोड़ा शगुन में दिया था। वो आए तो सही मेरे सामने, मगर नानी माँ तुम चले जाओ, मैं तुमसे कहती हूँ अपना खून मेरे सर मत चढ़ाओ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। नानी माँ ने पलट कर पलंग पर करवट ले ली और मेरी तरफ पीठ कर ली और मैं सर झुकाकर महिला से बाहर निकल गया। बड़े दरवाजे से बाहर निकलकर पहिए पर हो लिया जो कमादों के बीच में जाता था। यकायक मुझे याद आया और मैं पहिए से पलटकर महिला के दूसरी तरफ चला गया जिधर सरकंडों के झुंड थे। अब ढोलों की आवाज के साथ साथ अल्लाहु अकबर के नारों की आवाज भी साफ साफ सुनाई देने लगी थी। अल्लाहु अकबर यानी खुदा बहुत बड़ा है और इंसान बहुत छोटा है, तंग नज़र, कमीना और नफरत का बंदा है, और तहजीब के ऊंचे से ऊंचे मीनारे पर चढ़कर भी वो अपनी बदफितरत का इजहार करने से नहीं चूकता।
क्योंकि वो महज एक इंसान है, खुदा नहीं है। इसलिए मैंने उन नारों को कोई अहमियत न दी और आखिरी नज़र डालने के लिए सरकंडों के झुंड की तरफ चला गया, जहां मैं और शादा दोपहर में बैठा करते थे। लेकिन अब वहां कोई न था। मैंने बड़ी हसरत से उस जगह को देखा। यूं तो उस जगह में कोई खास बात ना थी, एक रेतीला सा टीला था जहां हम दोनों बैठा करते थे। सामने बंजर जमीन थी, उफक मटियाले बादलों से घिरा हुआ था। यहां कुछ भी तो ना था, लहलाते हुए पेड़, खूबसूरत फूल, रंगीन शफक, आबशार, पहाड़, पानी, झील, कुछ भी ना था। ऐसा कुछ भी ना था जिनसे जमीन पर शायद ही होती। फिर भी यह जगह जन्नत का टुकड़ा क्यों मालूम होती थी? शादां, शादां, मैंने आहिस्ता से आवाज देकर कहा। हमारे मिलने का यही कायदा था, वो आके सरकंडों में छुप जाती थी और जब मैं आता था तो उसे आवाज़ देता था और वो सरकंडों से निकलकर मेरे गले से लग जाती थी। मुझे मालूम था कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, फिर भी मेरे जिद्दी दिल ने पुकारा, शादा, शादा। मगर वहाँ कोई न था, झुंड खामोश खड़ा था। सरकंडों की कलगियों पर शाम की स्याही बिखरती जा रही थी। मैं जल्दी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ और किला शोभा सिंह के रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ने लगा। अगर मैं रात के 8:30 बजे की गाड़ी पकड़कर नारदवाली चला जाऊं तो मुझे नारदवाल से लाहौर जाने वाली कनेक्टिंग ट्रेन मिल जाएगी। लाहौर में मेरे पिताजी रहते थे। कोई 1.25 घंटे के बाद जब मैं चक्कर काट के किला शोभा सिंह के स्टेशन के करीब पहुंचा तो तारीकी खासी बढ़ चुकी थी। स्टेशन के करीब बड़का एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसके दर्जनों डाल जमीन पर लटके हुए थे। यहाँ पर बहुत अंधेरा था और अंधेरे में अजीब तरह के साए हरकत करते हुए नजर आते थे। हर कदम पर मौत नजर आती थी। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ गया। यकायक एक साया बढ़ के एक डाल के पीछे से मुझ पर लपका। यकायक एक साया बढ़ के एक डाल के पीछे से मुझ पर लपका। मैंने पलट कर अपना हाथ उठा लिया तो शादा भागती हुई मेरी बाहों में आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी कमीज की आस्तीन फटी हुई थी और वह नंगे पांव भागती हुई आई थी। उसे जल्दी से कहा, मैंने तुफैल से सब कुछ कह दिया है, वो तुम्हें लाहौर हिफाजत से पहुंचा देगा। तुफैल मुझे जान से नहीं मार देगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसे वादा कर लिया है कि मैं उसके दोस्त आफ्ताब से शादी कर लूंगी जो एक मुद्दत से मुझसे शादी करना चाहता है। वो जल्दी जल्दी घबराई हुई कह रही थी और उसकी सांस फूल रही थी। मगर तुफैल कहाँ है? सामने स्टेशन पर तुम्हारा रास्ता देख रहा है। लाहौर पहुंचकर वो तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ खत मेरे नाम लाएगा। अगर वो खत ना लाया तो अपनी जान ले लूंगी। यकायक वो रुक गई, फिर एक सर्द आह भरकर बोली, अब तुम जाओ। यकायक जैसे जमीन मेरे पांव तले से निकल गई हो। यकायक मेरी टांगों ने जवाब दे दिया और मैं वहीं जमीन पर बैठकर शादा की टांगों से लिपटकर रोने लगा। मैं कैसे जाऊं, तुझे छोड़कर कैसे जाऊं शादा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोली, उठो, याद करो, तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं, माँ और बाप हैं, बहन और भाई हैं, उन सब की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है, उन सब की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे है। जहन्नुम में जाएं सब लोग, मैंने रोते हुए कहा। मैं यहीं रहूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, फिर मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करूंगी, शादा ने आहिस्ता से कहा। फिर वो झुकी और उसने बड़े प्यार से मुझे जमीन से उठाया और एक बच्चे की तरह मुझे अपने सीने से लगा लिया और अपनी नरम हथेलियों से मेरे आंसू पोंछने लगी। और उसकी आंसू में भीगी हुई निगाहें
मुझसे कह रही थी, आओ आओ आज आखिरी बार मैं अपने हाथों से तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे आंसुओं से मेरे हाथ कभी गीले ना होंगे। जिंदगी भर तुम मेरे लिए रोते रहोगे और जिंदगी भर मैं तुम्हारे लिए रोती रहूंगी, और हमारे बहते हुए आंसू सात समुंदर बनकर हमें एक दूसरे से दूर कर देंगे। मगर उस दूरी के बावजूद मुझे यह भी मालूम है कि इस खूबसूरत अदाओं वाली जिंदगी में तुम खूबसूरती, मोहब्बत और शफकत के हर मेहरबान मोड़ पर मुझे याद आओगे। शाम के झुटपुटे में जब मैं अपने प्यारे शौहर को गरम गरम खाना खिलाऊंगी तो तुम्हें याद करूंगी, और रात की तन्हाई में जब अपने बच्चे को सीने से लगाकर उसे लोरी दूंगी तो तुम्हें याद करूंगी, और जब सब खत्म हो जाएगा, जब जिंदगी के सारे फर्ज पूरे हो जाएंगे और जब मौत मेरी पलकों को आखिरी बार छूने के लिए आएगी, उस वक्त फिर मैं तुम्हें याद करूंगी, और मेरे आखिरी सांस में, दिल की आखिरी धड़कन में और होंठों की आखिरी जुम्बिश में तुम दुआ बनकर आ जाओगे और मेरी रूह में समा जाओगे। याद, याद, याद अगर दौलत होती तो आज दुनिया में कोई गरीब न होता, मोहब्बत के लिए कोई तरसता न रहता। शादा ने खुद एक बार मुझसे कहा था, मगर आज मैंने उसे कुछ भी याद दिलाना मुनासिब न समझा। मैंने उसे अपने आंसू पोंछने, उसे गले से लगकर उसे प्यार किया और फिर अपना हाथ उसे छुड़ाकर स्टेशन की तरफ भागा, क्योंकि गाड़ी आउटर सिग्नल के करीब आ चुकी थी। स्टेशन की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मैंने मुड़कर देखा, बड़ के सायों में शादा चुपचाप खड़ी थी और दूर परे महिला की हवेली में ढोल गूंज रहे थे और महिला से परे हमारा सरकंडों का जंगल जल रहा था। तो ये थी कृष्णचंद्र के नॉवेल गद्दार की पहली किस्त। कल दूसरी किस्त, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।